हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि रोज़ चुनाव को लेके कोई ना कोई अपडेट आता है, रोज़ चुनाव को लेके कोई नई खबर आती है, कोई किसी पर तंज कसता है, कोई पार्टी चेंज कर लेता है, कोई पार्टी से बैकआउट कर लेता है। लेकिन एक जो कहावत है कि यूपी और बिहार की राजनीति अगर जो है वो सबसे ज़्यादा तेज तर्रार रहती है, वहाँ के नेता जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जो एक सबसे बड़ी पार्टी कही जाए जेडीयू, जो हमेशा चर्चा में बनी रहती है, उसके जो अध्यक्ष हैं, बिहार के सीएम रहते हैं नीतीश कुमार जी, वो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी चर्चा बहुत ना के बराबर हुई है। अभी वो कोई भी ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, कभी कोई भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं है जिसमें वो चर्चा में आए हों। तो क्या ये चुनाव बिहार की राजनीति अगर देखी जाए या जेडीयू के लिए कहा जाए, ठंडा चुनाव है क्या? देखिए पुष्कर, ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका जी। और जैसा कि मतलब हमारे दर्शक जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बिहार और यूपी, यहाँ के लोग पॉलिटिकली बड़े जागरूक होते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, और मतलब हर दूसरा इंसान से आप बात करो तो वो पॉलिटिक्स की बातें करता है जी। अब जहाँ तक बात रही कि भाई जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, वो कहाँ हैं, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कहाँ हैं। बिल्कुल, अब बिहार में तीन पार्टियां हैं मुख्यतः, जो कि जदयू, बीजेपी, आरजेडी, ठीक है, कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत है, सीपीआई, सीपीएम के भी है, लेकिन ये तीन पार्टियां मेजर हैं। इस चुनाव में जो अभी ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ अलायंस में जी। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसको कि आरजेडी लीड कर रही है, उसमें कांग्रेस है, सीपीएम है जी। और वो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है ये। नीतीश कुमार आज से एक साल पहले अगर आप देखें जी, तो बहुत चर्चा में थे। इनफैक्ट ये जो इंडिया अलायंस जो है आज के डेट में, इसके जन्मदाता ही वही थे। बिल्कुल, ये अलायंस को जोड़ना, पार्टीज को साथ में लाना, वो सबसे मिल रहे थे, पूरे इंडिया में घूम रहे थे, कभी ममता बनर्जी के पास जा रहे थे, कभी केसीआर के पास जा रहे थे, कभी उद्धव ठाकरे के पास, वो सबसे मिल के एक शेप देने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि वो एकदम से एक दिन पाला बदलते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं, अलायंस कर लेते हैं। नीतीश कुमार का जो बीजेपी से अलायंस है वो कोई नया नहीं है जी। वो कई साल सत्ता में रहे बीजेपी के साथ, फिर जब 2014 के चुनाव आए जी, और वो 2014 का जो चुनाव था उसमें वो अलग लड़े थे जी, इनके साथ नहीं, गठबंधन में नहीं लड़े थे, तोड़ के लड़े थे, क्योंकि वो मोदी जी का नाम आगे कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर फेस, तो वो उस बात से नाराज थे जी। उसमें उस चुनाव में जदयू को करारी हार झेलनी पड़ी जी। उसके बाद वो जाकर अपने धुर विरोधी जी लालू प्रसाद यादव से जाकर उन्होंने हाथ मिला लिया, आरजेडी के मुखिया। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति ही लालू विरोध पे खड़ी हुई थी जी। पहले ये सारे एक ही पार्टी के हिस्सा थे, लालू, नीतीश, शरद यादव तो नहीं रहे, ये सारे एक ही जनता दल के हिस्सा थे। फिर करप्शन के चार्जेस लगे लालू पे, लालू सीएम थे जी। तो लालू ने फिर राबड़ी देवी को आगे किया, फिर नीतीश अलग हो गया, ये सारा करके उसके बाद नीतीश कई साल पावर में आए तो कई साल तक वो बीजेपी के साथ रहे, फिर वो लालू के साथ चले गए। उस असेंबली इलेक्शन में नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलके जी बीजेपी को हराया और सरकार बनाई। दो साल ढाई साल वो दो ढाई साल रहे आरजेडी के साथ सरकार में, फिर उन्होंने एक दिन आरजेडी से किनारा कर लिया जी। और फिर कहाँ चले गए? चले गए फिर से बीजेपी में। ओके, फिर वो बीजेपी के साथ रहे, फिर डेढ़ दो साल के बाद उनका फिर मोह भंग हो गया जी। फिर उन्होंने चुनाव भी बीजेपी के साथ ही लड़ा और उसके बाद मोह भंग हो गया, और उसके बाद वो फिर आ गए किसके साथ? आरजेडी के साथ। फिर कुछ महीने वो आरजेडी के साथ रहे, फिर अब ये इंडिया गठबंधन और ये और वो, बीजेपी के धुर विरोध और बीजेपी पावर में नहीं आनी चाहिए, पूरा मोदी को रोकेंगे, 50 सीट नहीं जीतने देंगे जी। फिर उसके बाद वो एक दिन फिर से वापस आ जाए। तो मतलब अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो राजनीति है काफी दल बदलू किस्म की कही जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे मतलब कोट अनकोट पलटू राम बोलते हैं जी, वो कभी भी पलट जाते हैं जी। अब जो जनता है, जनता के बीच में जो बिहार की जनता है उनसे जो बात होती है, उनका ये कहना है कि भाई हम इनको क्यों वोट दें, हमें पता ही नहीं है कि ये वोट हमारा लेके किधर जाएंगे। बिल्कुल सही है, आरजेडी के तरफ जाएंगे कि बीजेपी की तरफ ही रहेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि इस चुनाव में 40 सीटें हैं बिहार में जी, उसमें 17 पे बीजेपी लड़ रही है, 16 पे नीतीश कुमार जी हैं, 5 पे वो एलजेपी के जो क्या नाम है चिराग पासवान को दिया है बीजेपी और जेडीयू ने, और 1 सीट उन्होंने काराकट वाली सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास है।
तो ये 16 सीट जो जदयू के हैं जी, उस पे भी नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कैंपेनिंग करते हुए नहीं दिख रहे हैं जी, बहुत ही ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है उनकी सारी कैंपेनिंग वगैरह। फैक्ट रिपोर्ट्स यहां तक क्लेम कर रहे हैं कि जो वहां के जदयू के उम्मीदवार हैं जी, वो ये चाहते हैं कि इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी या अमित शाह या योगी जाके उनके एरिया में कैंपेन करें जी, और वो लोग बीजेपी के झंडा लेके भी उनके कार्यकर्ता चलने को तैयार हैं जी, चल भी रहे हैं जी। मतलब उन्हें अपने जो लीडर है नीतीश कुमार से उदासीनता है जी, और नीतीश कुमार जी ना टीवी पे आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ना ही वो मतलब एक्टिव नहीं लग रहे। अब ये एक अलग तरह की मतलब सिचुएशन है, उहापोह की स्थिति बनी हुई है वहाँ की जनता में, और वही सवाल बार बार निकल के आ रहा है जी, कहाँ है नीतीश कुमार, वेयर इज बिहार सीएम नीतीश कुमार जी। ये हो सकता है कि नीतीश को शायद इस बात का आभास हो गया है कि मतलब ये जो बार बार पार्टी बदलने का जो ये स्टेप था इनका जी, वो लोगों के बीच में सही मैसेज नहीं दिख गया है जी, तो वो शायद थोड़ा सा इस बात को लेकर कंसर्न है कि अगर मैं मतलब ज़्यादा कैंपेनिंग करूँगा या कुछ ज़्यादा एक्टिव रहूँगा तो अपोजिशन को, देखिए अपोजिशन में इस बात की क्रेडिट आपको लालू के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव उनको देनी पड़ेगी कि अगर बिहार में इस टाइम कोई एक लीडर जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा उभर के आया है वो है तेजस्वी। दूसरी तरफ मोदी अपनी सभाएं करते हैं, अमित शाह करते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जाते हैं वहाँ पे, खुद स्टेट के सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, ये सब, और उनके सामने अगर कोई एक लीडर है जो खड़ा है तो वो है आरजेडी का तेजस्वी जी। वो कई रैलियां करते हैं, दिन में 8-8, 7-8 रैलियां करते हैं। अभी तो अपने उनके बैक में पीठ में बहुत दर्द हुआ, उसको लेके उनको मना भी किया गया शायद कि आप रैली मत करो, बट यंग है वो फिर से मैदान। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी आरजेडी और जेडीयू, यानी बीजेपी और जेडीयू तो साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सीटों के बंटवारे पे देखें तो क्या लगता है इन आरजेडी और जेडीयू जिसका यहाँ पे बिहार में बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहा है, इन दोनों में इस बार का चुनाव किसके पाले में जाता दिख रहा है? इसमें कोई ये नहीं है कि अगर आप आरजेडी और जेडीयू को कंपेयर करते हैं तो आरजेडी जेडीयू से आगे है जी। जो आखिरी विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें भी आरजेडी सबसे नंबर वन पार्टी आई थी, बीजेपी नंबर टू थी और नीतीश कुमार नंबर थ्री की पार्टी हो गई थी जी। वो तो नीतीश कुमार का वो समझिए पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग कहिए कि वो जीते कोई भी चुनाव ये परिसर वही बनेंगे। बिहार की स्थिति बहुत अलग है, वो कभी अगले डिस्कशन में हम कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई नीतीश कुमार ही सीएम क्यों बनते हैं, कोई और क्यों नहीं बनता, बीजेपी वो उनकी बात मान लेती है, आरजेडी भी, तो वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे आज। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस चुनाव में अगर किसी को सबसे ज़्यादा लॉस होगा तो वो जदयू को होगा, और कोई लीडर जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएगा वो नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि नीतीश कुमार जी हैं कहाँ, ये अभी भी किसी को नहीं पता है, और वो क्यों मतलब इतने सक्रिय इस पूरे चुनाव में कहाँ हैं, कोई मतलब लीडर हाँ खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। आरजेडी के लोग दिख रहे हैं, मोदी जी दिख रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह, योगी, सब दिख रहे हैं। यानी कि हर एक लीडर जो कि एक ख्याति प्राप्त नेता है वो अपनी ख्याति को बचाने के लिए, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए पूरी दमखम से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार उतने जोश में नहीं दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के इतने ठंडे रहने की क्या वजह है इस चुनाव में, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी कि नीतीश कुमार ही सीएम क्यों बनते हैं, क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और जुड़े रहें डीएनए के साथ।